हनुषष्ठी के पावन अवसर पर भिलाई 3 दक्षिण वसुंधरा नगर की महिलाओं ने अपने पुत्रों की दीर्घायु होने की कामना करते हुए भूमि पर सगरी बनाकर विधि विधान से हनुषष्ठी देवी की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में व्रतधारी महिलाएं शामिल रही। हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हनुषष्ठी के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं संतान की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है। वही संतान की लंबी आयु और निरोगी जीवन की कामना के साथ भिलाई दिन के दक्षिण वसुंधरा नगर की महिलाएं मंगलवार को हनुषष्ठी का व्रत कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। ऐसी मान्यता है कि व्रती महिलाएं इस दिन हल से जोत कर खेत में होने वाले अनाज और सब्जियां नहीं खाती है। व्रत में केवल तालाब में पैदा होने वाली वस्तुओं को ही खाती है। वहीं हनुषष्ठी का पर्व कुछ जगहों पर ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। हनुषष्ठी भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम को समर्पित मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन बलराम का जन्म हुआ था। अपना पुत्र पुत्रियों के लिए रखते हैं और इस त्यौहार में हम कॉलोनी के वासी की सभी माताएं पूजा करते हैं, जिसे पसेहर चावल जो बिना हल के जोते हुए रहता है उसी को हम लोग ग्रहण करते हैं और 6 प्रकार की भाजी रहता है उसमें सेंधा नमक और क्या बोलते हैं ये लाल अंग्रेजी मिर्चा का हम लोग उपयोग करते हैं और सभी माता आज के दिन हम लोग अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखते हैं और इसमें हम लोग 6 प्रकार का भाजी और जो अन्न से जोताई जो करते हैं नहीं करते हैं उसमें से जो अन्न है उनका ही हम लोग उनका प्रहार करते हैं। जैसे पसहर का चावल है, 6 प्रकार का भाजी है, दूध है, दही है, जो भैंस का रहता है उसी के हम लोग उपयोग करते हैं इसमें। और षष्ठी मैया हम लोग का बच्चे लोग का दीर्घायु के लिए हम लोग काम करते हैं। हाँ, यहाँ बच्चे लोग के लिए किया जाता है और छत्तीसगढ़ में सब वही मनाया जाता है। इसमें खेत का जुता हुआ नहीं खाते, हल का जुता हुआ नहीं खाते, ऐसी भाजी खाते हैं और जो पानी में होता है वो चावल को खाते हैं। नियम वही है, हनुषष्ठी माने 6 प्रकार के हनुषष्ठी व्रत माने दुर्गा ही की पूजा है, शंकर भगवान पार्वती और उसके साथ में कार्तिकेय गणेश जी की पूजा हम सब करते हैं। ये पूजा हमेशा सामूहिक रूप से ही किया जाता है ना, और हमारी सभी बहनें एक साथ एकत्रित होकर कहीं पे चौराहे या महान तो और ये उपवास जो है बच्चे के लिए उसके सुख समृद्धि के लिए है ना, जिसका कोई बालक नहीं है उसके लिए मनोकामना करके पूजा करते हैं। और षष्ठी का व्रत जो है फल का उल्लंघन इसमें नहीं करते हैं ना, और 6 प्रकार के भाजी बिना हल जोते हुए चावल का उसी का हम फलाहार करते हैं। हनुषष्ठी माता के व्रत भाद्र कृष्ण पक्ष षष्ठमी के दिन बाल गोपाल की दीर्घायु सुख समृद्धि के कारण सभी व्रतधारी माताएं सुंदर उपवास करती हैं और सभी एक पवित्र स्थल में एकत्रित होकर के दो सुंदर सागर बना करके पंडित जी के द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके और सुंदर सागर में पोती डुबा करके और पोती अपने घर में ले जा करके बालक के दीर्घायु के लिए और स्वस्थ मनोकामना पूर्ण करने के लिए उस बालक के पीठ में 6-6 बार हाथ लगाते हैं और माता हनुषष्ठी से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, हमारे पुत्र या पुत्री उनको दीर्घायु बनाए रखे, स्वस्थ रखे। यही कामना के साथ हम आपके व्रत और उपवास विधि विधान के साथ कर रहे हैं और हनुषष्ठी माता के व्रत में सुंदर जो पूजन सामग्री उपयोग करते हैं उसमें अन्न के रूप में पसहर के चावल और साग के रूप में 6 प्रकार की भाजी और गौ माता के दूध वर्जित है इसलिए भैंस का दूध, भैंस का दही से भगवान भोलेनाथ एवं हनुषष्ठी माता के पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद सुंदर सागर में जल भर करके 7 परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद सुंदर आशीर्वाद के रूप में ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके
आशीर्वाद लेकर के अपने अपने घर में जा कर के पारायण करते हैं। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में व्रतधारी महिलाएं शामिल रही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।